हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो के बारे में आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मेरा सीट मास्क कलेक्शन, कि मेरे पास कितने सीट मास्क हैं, कौन कौन से ब्रांड के हैं, उनके प्राइस क्या हैं। तो आज की वीडियो में मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ सीट मास्क से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे रिसीव होते हैं, तो कुछ कॉमन क्वेश्चन का आंसर भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं ये क्वेश्चन या कौन कौन से हैं सीट मास्क मेरे पास, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। आज के वीडियो में मैं जितने भी सीट मास्क आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। और इससे पहले कि मैं सीट मास्क आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। आपके मन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या सीट मास्क सिर्फ ड्राई स्किन के लिए होता है या ऑल स्किन टाइप वाले इसे इजीली यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सीट मास्क जो होता है वो ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल होता है। आपकी स्किन चाहे ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो, सेंसिटिव हो, नॉर्मल हो, कोई सी भी हो, आप सीट मास्क को इजीली यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या सीट मास्क को यूज करने का कोई सीजन होता है या आप इसे कभी भी यूज कर सकते हैं? तो देखिए, सीट मास्क को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप कभी भी यूज कर सकती हैं, जब भी आपका यूज करने का मन हो। तीसरा क्वेश्चन, सीट मास्क को डे टाइम में यूज करें या फिर नाइट टाइम में यूज करें? तो देखिए, सीट मास्क को वैसे तो आप डे और नाइट दोनों में इजीली यूज कर सकती हैं, लेकिन अगर आप स्किन केयर की तरह उसे यूज कर रही हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उसे नाइट में यूज करिए, क्योंकि फुल नाइट पूरा सीरम आपके फेस पे रहेगा, आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब होगा और ज्यादा अच्छे से वो अपना काम आपके लिए कर पाएगा। अगर डे टाइम की बात करूं, आप मेकअप से पहले किसी पार्टी फंक्शन के लिए या किसी स्पेशल डे के लिए रेडी हो रही हैं और आप चाहती हैं कि आपका आपका फेस या आपका जो मेकअप है वो ज्यादा ग्लोई दिखे, और उसके लिए सीट मास्क यूज कर रही हैं, तो आप इजीली डे टाइम में भी यूज कर सकती हैं। मास्क को यूज करने का कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं 99% सीट मास्क को नाइट में ही यूज करती हूं, जिससे मैं उसे ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि सीट मास्क को आपको कब यूज करना है, वीक में कितनी बार यूज करना है? तो देखिए, सीट मास्क को आपको वीक में सिर्फ एक बार यूज करना है, क्योंकि उसमें इतना सीरम होता है कि एक वीक तक आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट मास्क यूज करने के बाद क्या फेस वॉश किया जाता है या फेस धोया जाता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीट मास्क यूज करने के बाद जब आप उसे सीट हटाएंगे तो जो सीरम है उसे अपने फेस पे रहने दीजिए, थोड़ा सा मसाज करिए ताकि वो सीरम जो है आपकी स्किन के अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो आपके लिए। उसके बाद आपको फेस वॉश नहीं करना है, चाहे एक घंटा हो या दो घंटा हो। फेस वॉश तभी करिए जब आपको जरूरत हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सीट मास्क अप्लाई किया उसके बाद आप जाके फेस वॉश कर लीजिए। तो सीट मास्क फेस पैक बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट मास्क को आप एक सीट मास्क को आप कितनी बार यूज कर सकती हैं? तो एग्जांपल के तौर पे अगर ये एक सीट मास्क है तो आप इसे सिर्फ एक बार ही यूज कर सकती हैं, क्योंकि ये वन टाइम यूज होता है, ये रीयूजेबल नहीं है कि आप इसे रख दीजिए और बाद में फिर से यूज कर लीजिए। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि सीट मास्क सिर्फ वन टाइम यूज ही होते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांड का सीट मास्क बाय करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम सीट मास्क को रिमूव करते हैं तो उसमें काफी सारा सीरम होता है, तो क्या उसे ऐसे ही थ्रो कर दें? बिल्कुल नहीं। मैंने कब कहा कि आप ऐसे सीट मास्क को थ्रो करिए या उसके अंदर जो सीरम है उसे वेस्ट कर दीजिए, उसे यूटिलाइज करिए। डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे से निचोड़ सकती हैं और कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हैं। सबसे पहले तो मैं सीट मास्क जब यूज करती हूं तो अपने फेस पे यूज करती हूं, देन जब मैं 15 मिनट के बाद रिमूव करती हूं तो उसे अपने नेक पे, बैक नेक पे या हाथ पे, पैर में अच्छे से मसाज करके जो सीरम है उसे पूरा निचोड़ लीजिए, पूरा सीट मास्क जो है उसे यूटिलाइज कर लीजिए। ये आपके लिए ही
काफी अच्छा रहेगा। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन जो मुझे काफी रिसीव होता है कि क्या जो इस सीट मास्क के अंदर सीरम होता है हम उसे निचोड़ के या निकाल के किसी बॉक्स में भर के या किसी बॉटल में भर के रख सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना हाइजीन का ख्याल रखती हैं। सबसे पहले तो आपको अपने हाथ को बहुत अच्छे से क्लीन करना होगा, आप जो सीट मास्क टच करने जा रही हैं ये भी क्लीन होना चाहिए, जिस स्पॉट में आप उसे रखने जा रही हैं वो भी क्लीन होना चाहिए। तो काफ़ी सारा आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा जिससे कि सीरम जो है वो प्योर ही रहे, ऐसा ना हो कि सीरम आपका वेस्ट हो जाए, उसमें बैक्टीरिया या ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। अब बारी आती है कि मेरे पास कितने सारे सीट मास्क हैं, क्योंकि मैंने सीट मास्क से रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं मैंने आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट सारे ही शेयर कर दिए, क्योंकि मुझे यही सारे क्वेश्चन सीट मास्क से रिलेटेड रिसीव होते। अब बारी है सीट मास्क की, मेरे पास कौन कौन से ब्रांड के सीट मास्क हैं, तो मैं एक एक करके सारे ब्रांड के सीट मास्क आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहले बात करेंगे इनिसफ्री के सीट मास्क की, तो मेरे पास इनिसफ्री के काफ़ी सारे सीट मास्क थे बट अभी मेरे पास सिर्फ दो सीट मास्क बचे हुए हैं, पहला है रोज और दूसरा है ग्रीन टी। और इनके बारे में मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इनिसफ्री के जो सीट मास्क होते हैं वो मेरी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि मैंने इन्हें काफ़ी ट्राई किया है, काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है, तो मैंने ऐसा देखा है कि ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत अच्छा ग्लो ऐड करते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं है कि बाकी ब्रांड के नहीं पसंद है, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। और इनका जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़ ईच और वन टाइम यूज़ है, मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब बारी आते हैं नेक्स्ट ब्रांड की, तो नेक्स्ट ब्रांड है गार्नियर का, और ये है गार्नियर का स्किन नेचुरल सीरम सीट मास्क। पहला है एजलेस वाइट और दूसरा है प्योर चारकोल मास्क, तो मेरे पास इसमें दो हैं और इनका जो प्राइस है वो है 99 रुपीज़ ईच। और वैसे गार्नियर का मैंने इससे पहले भी सीट मास्क ट्राई किया था, लेकिन उसके साथ एक माइनस पॉइंट था कि उसका जो सीरम था वो स्किन के अंदर अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब सीट मास्क रिमूव करने के बाद मैंने कम से कम आधे से एक घंटे का टाइम दिया था, लेकिन जो सीरम था वो स्किन में अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा था। आई डोंट नो कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी। और ये पॉइंट जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपने वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट इस वेरिएंट में ये जो न्यू आए थे इनमें मैंने एक ट्राई किया है, बट इनके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे ये सीट मास्क भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बारी आती है नायका की, तो मेरे पास नायका के भी काफ़ी सारे सीट मास्क थे, इनमें से कुछ मैं गिव अवे में दे चुकी हूँ और कुछ सीट मास्क मैं यूज़ कर चुकी हूँ, आई थिंक एक या दो, और कुछ सीट मास्क अभी मेरे पास बचे हुए हैं। तो अभी मेरे पास पांच सीट मास्क हैं। पहला है इनका जिनसेंग एप्रिकॉट फॉर ब्लेमिश फ्री एंड यूथफुल स्किन, और दूसरा है ब्लैक मड प्लस एलोवेरा फॉर प्यूरिफाइड एंड हाइड्रेटेड स्किन, तीसरा है टी ट्री प्लस एलोवेरा फॉर क्लियर एंड मॉइस्चराइज स्किन, और चौथा है लेमन प्लस हनी फॉर लाइटेंड ग्लोइंग स्किन, और पांचवा है चारकोल प्लस बैम्बू फॉर प्यूरिफाइड एंड नरिश्ड स्किन, और इनका जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़ ईच, इनका भी प्राइस 100 रुपीज़ ईच है। लास्ट जो ब्रांड है वो है फेस शॉप, और फेस शॉप के भी काफ़ी सारे सीट मास्क मेरे पास हैं। सबसे पहला है इनका ब्लूबेरी, दूसरा है इनका राइस, तीसरा है पोटैटो, चौथा है पोमोग्रेनेट यानी अनार, और पांचवा है ये केल्प है, लेकिन ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है एलोवेरा, और नेक्स्ट है लेमन, और इनका जो प्राइस है वो भी है 100 रुपीज़ ईच। तो मेरे पास फेस शॉप के इतने सीट मास्क हैं। तो ये है मेरा टोटल कलेक्शन ऑफ सीट मास्क, मेरे पास इतने सारे सीट मास्क हैं।
ये देखिए, अब सीट मास्क से रिलेटेड मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूंगी। इन सीट मास्क को मैंने एक बार में बाय नहीं किया है, मुझे सीट मास्क यूज करना पसंद है, मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि इनका जो इंस्टेंट वर्क होता है, इंस्टेंट रिजल्ट होता है, मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेरी स्किन जो हाइड्रेटेड, ग्लोई और सॉफ्ट सॉफ्ट सी दिखती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सीट मास्क को बाय करने के लिए मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ। तब जब सीट मास्क पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा हो या अच्छी खासी डील्स चल रही हो, तभी मैं सीट मास्क को बाय करती हूँ। और ज़्यादातर मैं सीट मास्क को तभी बाय करती हूँ जब 5 के साथ 5 फ्री होते हैं। और ऐसा हर ब्रांड पे हो जाता है, सिर्फ फेस शॉप को छोड़ के, क्योंकि फेस शॉप पे मैंने देखा है कि ऐसा नहीं होता है। और आई थिंक इनिसफ्री पे या नायका पे था ऐसा कुछ कि 7 के साथ 7 आपको फ्री मिलते हैं, तो मैंने ऐसे ही करके सारे सीट मास्क बाय किए हैं। और आगे फ्यूचर में भी मैं ऐसे ही सीट मास्क बाय करूंगी, क्योंकि मुझे सीट मास्क पसंद है, मुझे इन्हें स्टोर करके रखना भी बहुत अच्छा लगता है, यूज़ करना भी बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं इन्हें देख लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा सुकून मिलता है कि इन्हें भी मुझे यूज़ करना है। और इन्हें यूज़ करते टाइम मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे इन्हें अच्छे से अप्लाई करो, रिलैक्स करो, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये था मेरा कंप्लीट सीट मास्क कलेक्शन, और साथ ही साथ सीट मास्क से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चन के आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने एंजॉय किया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आप मेरे सारे वीडियोज देख सकें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।